हेलो दोस्तों, आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती है। सो दोस्तों, आज हमारा अक्टूबर बैच का फीडबैक डे है। सो आज हम पता करेंगे कि आज इनका 16-17 दिन के अंदर इनको क्या क्या सीखने को मिला है और आज ये किस लेवल में काम कर रहे हैं, किस टाइप की नॉलेज इनको मिली है और पहले क्या करते थे, आज इस टाइम 16-17 दिन के अंदर क्या अपडेट आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हो और करने वाले हो या किसी ने कर लिया है, उनके लिए बहुत बढ़िया वीडियो रहेगी और पूरे अंत तक देखना फीडबैक। तो चलिए आज हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं और जो हमारा नया नवंबर को बैच चालू होने वाला है उस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है 9999184375। इस पर आप व्हाट्सएप करें आप अपनी डिटेल, हम आपको अपनी डिटेल सेंड करेंगे, आप अपना एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इनसे ही पता करते हैं आज 16-17 दिन के अंदर क्या क्या इन्होंने सीखा है। सारे प्रैक्टिकली सभी काम हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सो अगर आपको भी यहाँ ज्वाइन करना है तो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9999184375 पे। तो चलिए एक बार हम स्टूडेंट से पता करते हैं। न्यू दिल्ली तुगलकाबाद से हूँ। मैं पहले नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में काम करता था। अच्छा अच्छा। और थोड़ा बहुत मोबाइल की मेरे दोस्त फ्रेंड की शॉप थी तो उनसे हल्का फुल्का नॉलेज थी। ओके हाँ। अच्छा। और बाकी और कुछ भी नहीं था, मतलब आई सी रिवॉल्व करना हो गया, ये सोल्डिंग करनी, कुछ भी नहीं पता था। नॉलेज बहुत अच्छी मिली है। रजिस्टर के बारे में मिला, उनकी वर्किंग के बारे में पता लगा है कि और सीपीयू से क्या कनेक्ट है, क्या रीडिंग आनी चाहिए वहाँ पे हर चीज़ के, और आई सी रिवॉल्विंग हो गया, आई सी सीपीयू रिवॉल्विंग हो गया, उसको बिठा के लगाना, कुछ टेक्निक्स है जो आपने हमें बताई है। और क्या कहते हैं, काफ़ी मतलब मोबाइल के बारे में, सर्किट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। ओके। उसको मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से आपने सिस्टमेटिक डायग्राम में समझाया कैसे फॉलो करना है, फॉल्ट फाइंड करना है। तो डायग्राम की नॉलेज हुई आपको? यस सर। आज मतलब कोई आम जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा हो वो यहाँ आके स्मैटिक्स की नॉलेज लेके काम सीख सकता है? बिल्कुल सर, सीख सकता है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस। थोड़ी सी समझ की जरूरत होती है। बिल्कुल सर, आपका जो समझाने का तरीका है ना वो अच्छा है। ओके। उससे मतलब नॉर्मल बंदा भी समझ जाए। ओके। तो अभी आपने खुद अपने हाथ से सीपीयू वगैरह निकाले थे? यस सर। प्रॉपरली ऑन भी किए हैं यहाँ पर? यस सर। आपको हमारी तरफ से ऑन बोर्ड दिया गया था? यस सर। ऑन किया भी है आपने? यस सर मैंने। अच्छा। सो अभी मेन आता है सबसे ज़्यादा सीपीयू को निकालना, ईएमएमसी को निकालना, पावर आईसी को निकालना, बंदा 4 या 5 दिन में आके सीख जाता है, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहता है। मेन आता है फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में आपको एक एक चीज़ प्रैक्टिकली दिखाई जा रही है? यस सर, प्रैक्टिकली भी और थियोरिकल भी और सिस्टमेटिक में भी एकदम सब कुछ साथ साथ कराया जाता है। अच्छा। जिससे पूरा प्रॉपर समझ आ जाता है। अच्छा। कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ आपके साथ? नहीं सर, कोई फ्रॉड नहीं। पैसा ले लिया और उसके बाद क्लास भी नहीं दे रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और क्लास अच्छी चलती है, सुबह 11 बजे से चालू होती है, रात को कुछ टाइम नहीं है, मतलब नॉर्मल 8-9 है, वैसे अगर ज़्यादा हो तो 12 भी बज जाते हैं। रात को 12 ही बज जाते हैं? मतलब कई बार रात को 12-12 बजे भी हम क्लासेस चलते हैं, क्योंकि वो सेक्शन के डिपेंड है। यस सर। डिपेंड करता है सेक्शन कौन सा चल रहा है। नॉर्मली हमारा जो सुबह 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है, रात को 7 से 8 बजे तक हमारी क्लास चलती है, कंटिन्यूस चलती है। यस सर। सो अभी आप हॉस्टल में तो रह ही नहीं रहे क्योंकि आप लोकल एनसीआर के ही हैं। यस सर। सो अभी आपको यहाँ पर टूल किट वगैरह सब आपको अलग से दे रखी है? यस सर बिल्कुल। कोई पर्सनल आपका पैसा तो नहीं ले रखा है टूल किट के पैसे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलग, हर किसी को अपना सेपरेट मिलता है और जितना टाइम चाहे अपना एक्सप्लेन करके काम प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस कर सकता है। ओके। सर बिल्कुल पैसा वसूल है, यहाँ आके जो भी चाहे सीख सकता है। मतलब जो नो सीखा भी हो, मतलब बिल्कुल मोबाइल का नहीं जानता ना, उसको वो भी सीख सकता है यहाँ पे। मतलब एक टेक्निक जो आपकी मैं बता नहीं सकता, मतलब जो आप बताते हैं वो बहुत बढ़िया। ओके। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने भी ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी बुकिंग करे, सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, आपको कितने भी डाउट हो जितनी बार पूछो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली मतलब जो समझाएंगे ना पूरा आपको दिमाग में आएगा समझ में कि क्या चीज़ है, क्या वर्किंग है। ओके। तो चलिए ठीक है। मैं बैंगलोर से हूँ, वैसे मेरा दुकान बैंगलोर में है लेकिन मेरा जो भी नेटिव है वो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है, बैंगलोर से फिर से 250 किलोमीटर दूर है। ओके। और मैं 4 साल से काम करता आ रहा हूँ। ओके। 4 साल से दुकान खुद का दुकान है लेकिन काम जो है चार्जिंग जैक लगाना और डिस्प्ले वर्क लगाना, नॉर्मल फॉर्मल नॉर्मल बिल्कुल बेसिक वाला चल रहा था। और कुछ कभी यूट्यूब देख रहा था कुछ समझ में नहीं जा रहा था कि कैसे फॉल्ट फाइंडिंग किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं जा रहा था। जो दिखा रहे उनका एक प्रॉब्लम था और हमारा जो प्रॉब्लम अलग ही था, अलग था, बिल्कुल अलग था। तो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि कहीं इंस्टीट्यूट में जाना है लेकिन ये नहीं जानता था कि कहाँ ही जाऊँ, वो फेक है या सही है, वो जीनियर है, कुछ नहीं जानता था। तो आपके बारे में मैं 2-3 जगह इंक्वायरी भी करवा लिया और
जब जाके मुझे पता चला कि जीनियर ने जैसे जान के आया वैसे बिल्कुल वैसे ही निकला, जैसे जान के आया वैसे उससे ज़्यादा भी निकला था जहाँ तक बोला जाए। सो आपको जो आपने सोचा और जो हमने यहाँ पर मिला नहीं उस चीज़ से बिल्कुल उससे ज़्यादा मिला सर, जितना मैं सोच गया उससे ज़्यादा ही मुझे मिला है। मैं तो 100% सेटिस्फेक्शन। ओके बढ़िया। सो आपको चाहे CPU हो EMMC हो किस तरीके से निकाला जाता है? पेस्टेड आईसी में आपने काम किया है? जी सर, पेस्टेड आईसी किया, माइक्रो जंपरिंग किया, वो फोन ऑन भी किया हूँ। ओके। और CPU EMMC पावर सब कुछ कर लिया, सब कुछ मैं ऑन भी किया हूँ। ओके ओके। इससे पहले कभी किया भी नहीं था, यहाँ तक कि WDR तक चेंज नहीं किया था मैं, बहुत डर था मुझे। अच्छा। आज वो डर निकल गया है, डर निकल गया। चाहे प्रिंट भी उखड़ जाए मैं लगा लूंगा। ओके। मतलब साइसी का पैड भी उठ जाए कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा कर लूंगा। पहले एक पैड भी निकल जाता था लोग, इसी तक निकल नहीं था सर, मुझे इतना डर था अगर डेड हो जाए क्या करेंगे, कुछ हो जाए तो पता नहीं चल जाएगा कि क्या केस क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं जा रहा था। आजकल तो मुझे इतना तो पता चल गया, अगर पैड भी उखड़ जाए कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा, इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे आ गया। 17 दिन में ये तो कमा लिया मैंने। ठीक है। अभी स्मैटिक्स की नॉलेज हो, स्मैटिक तो ये जरूरी है ना? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सर। फॉल्ट फाइंडिंग तो वही से है, वही तो फॉल्ट फाइंडिंग है, उससे बिना फॉल्ट फाइंडिंग हुआ ही नहीं तो। हाँ मतलब वो बोलते हैं ना क्या, तुक्के मारना हो जाता है बस। हाँ। अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो वापस देना, वापस देना। हाँ। अभी तक तो यही कर रहे थे ना सारे, इसे यही कर रहे थे सर, मैं भी यही कर रहा था, अब ये नहीं करना है। ओके। अब जब भी है टाइम ले लो कस्टमर से, सही से करके देना, जिन काम भी हो जाए प्रॉपरली प्रोफेशनली वर्क जैसे करा जाता है वैसे ही। आपको पहले डाटा शीट नॉलेज थी आपको? जी सर नहीं, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल जीरो थी। तो देखिए डाटा शीट हो गया, स्मैटिक्स हो गया, किस तरीके से यहाँ पर फॉल्ट फाइंडिंग बताया जाता है, ये सेक्शंस चार्जिंग सेक्शन हो चाहे आपका लाइट सेक्शन हो, ये देखिए दोस्तों कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। इस पर बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोला खींच दिया हो गया काम। इस पर एक एक पैड के बारे में आपको बताया जाएगा, एक एक चीज़ के बारे में। ये देखिए ये कौन सा मॉडल है आपका? वैसे यहाँ पर खुद बनाए हैं? यहाँ पर जी सर खुद बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो आपने इतना अच्छा बनाया है यहाँ पर क्लियर करा है, ये खुद समझ के बनाए हैं? बिल्कुल समझ के बनाए सर, ये जब बनाए तो सोने में 4 बज गए थे हमें। अच्छा, 4 बज गए थे। तो आप इसके बारे में आज क्या बताना चाहते हैं कि अगर इसके अंदर कोई एक कंपोनेंट भी हट गया सर, चार्जिंग होगा क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं होगा सर, ये जितना भी इसमें हम ड्रॉ किए इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक भी कंपोनेंट या एक भी कैपेसिटर ऐसे कुछ भी हट जाए चार्ज नहीं होगा, डेड भी हो सकता है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है इसको समझना। बिल्कुल। देखिए दोस्तों यहाँ पर नोट 4 का चार्जिंग सेक्शन है, ये देखिए बहुत ही, ये आप देख सकते हैं नियो 5 का लाइट सेक्शन। देखिए लाइट सेक्शन में पहले क्या आपको इन चीज़ों के बारे में पता था क्या? बस नहीं सर, लाइट तो हम कभी करते भी नहीं थे, अगर लाइट सेक्शन का आ गया तो सीधा फोल्डर चेंज कर देते, बस फोल्डर चेंज कर देते, उसके बाद भी नहीं होता तो क्या करते? कुछ भी पता भी नहीं तो वापस दे देते, वापस दे देते। बढ़िया। तो स्मैटिक्स की नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, सेक्शन बाय सेक्शन? जी सर, स्कीमेटिक सेक्शन बाय सेक्शन बताया जा रहा है और हमसे भी करवाया जा रहा है। ओके। हम भी कर रहे हैं रात में 2-2, 3-3 बजे तक, 4 कभी-कभी 4 भी हो जाता है, बट हम खुद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके। आगे जाके कैसे रीड करना है उसको, सब कुछ समझ रहे हैं। ओके। सो अभी यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, चाहे डबल डेकर हो, सारा कुछ क्लियर किया जाता है? जी सर, प्रैक्टिकली दिखाया जाता है लाइव? जी सर लाइव, प्रैक्टिकल थियरी जो हमें पढ़ाया जाता है वही प्रैक्टिकल भी दिखाया जाता है, कैसे ट्रेसिंग कैसे होगा और आईसी कैसे निकालना होगा, कैसे लगाना होगा, हर एक चीज़ डिटेल में बताया जाता है। Okay. कितना हीट रखना चाहिए, कितना एयर, सब कुछ A to Z लेकर दिखाया जाता है। आपका यहाँ पर आने कोई टाइम का वेस्टिंग तो नहीं हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ। मेरा जो कोर्स था 10 तारीख से स्टार्ट हुआ, आज तक कभी वेस्ट भी नहीं हुआ, जहाँ की टाइम ज़्यादा ही दे रहे हैं हम। वैसे भी हमारे जो भी सिखा रहे हैं, आप लोग भी सिखा रहे हैं, सर भी, कपिल सर भी सिखा रहे हैं, सब लोग जब भी जाके पूछे वो कभी मना नहीं करेंगे, आप नहीं होगा बाद में, कुछ भी नहीं, कभी जब पूछो तो बता देंगे, जो कुछ भी चाहिए बताओ। मतलब दिन रात डे नाइट पढ़ाया जा रहा है? डे नाइट पढ़ाया जा रहा है सर। ओके। यहाँ पर मेहनत करी जा रही है? जी सर। यहाँ मेहनत वाला स्टूडेंट आया या बिल्कुल मेहनत करने वाला स्टूडेंट ही आना है सर, जिसको डाउट है, जिसको ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाने से होगा नहीं होगा, वो बिल्कुल ना आए। हाँ। जिसको मेहनत करना है, जिसको कुछ पाना है वही आए बस। जो भी मोबाइल टेक्नीशियन सीखना चाह रहा है, जो जिसको भी, बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि कहाँ जाने से सीख सकते हैं, ये सब जो कुछ भी मतलब इंक्वायरीज कर रहे हैं, जहाँ तक जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको, उसके लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई बिना शक, कोई शक मत रखना, आना और डेमो क्लास लेते आप कंफर्म कर जाएंगे कि इधर ही हमें कर सीखना है, यही रहना है, उसका दूसरी बात ही नहीं होगी। Okay. उतना डिटेल से एक एक चीज़ भी बताया जाएगा और डिटेल मतलब प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा और थियरी भी बताया जाएगा, जो कुछ भी चाहे कंपोनेंट हो, आईसी हो, जो कुछ भी है, ट्रेसिंग भी है, सब कुछ थियरी भी बताया जाएगा और प्रैक्टिकल भी सिखाया जाए। नजरिया चेंज हो गया सर, वो जो पहले दिन आपने बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं जा रहा था कैसे नजरिया चेंज होगा, लेकिन अब जाके मुझे समझ में आया हूँ, नजरिया चेंज हो गया, हो जाएगा सर। असम से हूँ मैं, बिल्कुल फ्रेशर हूँ। ओके। इसके आगे मैं मोबाइल का कोई नॉलेज नहीं है, यहाँ आकर मेरे कंपेनियन को
आईसी को लगाना उठाना मोबाइल ऑन कर चुका हूँ। ओके मेरा अभी तक मेरा जो नॉलेज है बहुत हो गया। ओके ये सार जो सिखाया तो समझाया का तरीका है बहुत अच्छा है। ओके और हमारा यहाँ के क्लास लेकर हॉस्टल के रात में हमारा क्लास होगा रात में 3-4 बजे जाते हैं उधर क्लास चलता है। हाँ हाँ मतलब एक तरह का रिवीजन आपको कराया जाता है। हाँ हाँ सर ओके बिल्कुल। तो आज आप अपने आप को फ्रेशर बोल सकते हो क्या? नहीं सर बिल्कुल फ्रेशर नहीं बोल सकते हूँ क्योंकि नॉलेज आपको सब हर एक चीज़ की नॉलेज हुई है यहाँ पर। हाँ नॉलेज है कंपनी की जो हमारा प्रैक्टिकल इधर बहुत अच्छा से प्रैक्टिकल होता है। ओके 3-4 घंटा प्रैक्टिकल करता है हम लोग इधर। तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है यानी कि CPU को कैसे निकालना है UMC निकालना ये सारा कुछ बताया गया? हाँ बताया गया। हाँ अभी तक तो मैं ऐसे निकल कर लगातार मोबाइल ऑन किया। ओके मतलब आज आप फ्रेशर हैं। हाँ ये बिल्कुल फ्रेशर है तो आज आपने ICA को निकाल रहे हैं CPU UMC प्रोग्रामिंग और CPU UMC को निकाल के प्रॉपरली काम कर रहे हैं आप। हाँ जी सर बढ़िया है बढ़िया है। सो आप CPU UMC काम कर रहे हैं उससे पहले एक फॉल्ट फाइंडिंग का भी बहुत बड़ा दिक्कत ही का होता है कि फॉल्ट फाइंडिंग आपको प्रॉपरली बताई जा रही स्टेप बाय स्टेप। हाँ प्रॉपरली बताया जा रहा है डायग्राम की स्कीमेटिक के बारे में प्रॉपरली बताया जा रहा है सेक्शन बाय सेक्शन सेक्शन बाय सेक्शन। जी ठीक है बढ़िया। तो कोई आपका डबल डेकर हो पेस्टेड ICO सब आपको दिखाया जा रहा है? हाँ सब प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। ओके डाटा शीट में सर आगे मेरा कुछ नॉलेज नहीं था यह करके डाटा शीट के बारे में प्रॉपरली नॉलेज आ गया मेरा। ओके कौन एक एक पैड के बारे में समझ में आया आपको? समझ आया सर। चलिए बढ़िया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो इसकी नॉलेज होना जरूरी है? नहीं जरूरी बिल्कुल जरूरी है यार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चार्जिंग सेक्शन है सर चार्जिंग सर्किट है। हाँ। मतलब इसको समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आपको इसी हाई लेवल में पूरा समझाया जाएगा डीप नॉलेज इसी पूरा। इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ग्राफिक सेक्शन पूरा ग्राफिक लाइट है लाइट टास्क लाइट टच और ग्राफिक ये पूरे के पूरा तीनों सेक्शंस एक ही बार में बनाए हैं इन्होंने। अच्छा ये बनाने का मकसद क्या है? ये समझ में आना ये। आपको समझ में आना जरूरी है ये बनाने का मकसद यही है। অসমর জি হকলে আইব বিচাৰিছে তো লকে নিশ্চিন্ত আহিব পাৰে অতি ভাল এখন ইনষ্টিটিউট এতে কোনো সন্দেহ নাই কোনো প্ৰশ্ন নাই আপোনালোকে আহিব পাৰে ভাল শিক্ষা ল'ব পাৰিব মোবাইলৰ বিষয়ে মই এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ। ফল ফেল্ডিং আৰু আপোনাৰ পেট্ৰিকেল আৰু আপোনাৰ ডায়েগ্ৰাম স্কিমেটিক এইবোৰ সকলো জ্ঞান দিয়ে ফুটিনেটলি জ্ঞান দিয়ে আপোনালোকক আপোনালোকে নিশ্চিন্তে জইন কৰিব পাৰে কোনো সন্দেহ নাই আপোনালোকে আহিব পাৰে। ओके बहुत बढ़िया फैसिलिटी है हॉस्टल में हमारा। मतलब हॉस्टल में आपको जो चार्जेस लिए जाते हैं उससे ज़्यादा आपको फैसिलिटी दी जाती है? ज़्यादा फैसिलिटी है सर हॉस्टल में हमारे। ठीक है जी सर मैं आसाम से हूँ और मैं पहले एकदम फ्रेशर था मुझे मोबाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ओके कंपोनेंट क्या होता है ऐसा कुछ भी पता नहीं था तो यहाँ पर आते हुए हमें अभी 18 दिन हुआ 18 दिनों में हम स्मेटिक की पूरा नॉलेज कंपोनेंट की पूरी नॉलेज स्मेटिक की रीडिंग IC उठाना निकालना फिर रिवॉल्व करना IC को लगा के फिर मोबाइल ऑन किया। ओके IC निकाल के हमने काम किया CPU UMC पावर IC सब निकाल के काम किया। पेस्टेड IC आपको बताया गया है यहाँ पर? पेस्टेड IC बताया दिखाया गया है प्रैक्टिकल करके। ठीक है सुन पूरा सेक्शन में पढ़ाया जा रहा है। ओके बहुत बढ़िया तरीके से बहुत डीपली नॉलेज मिल रहा है हमें। ओके तो ऐसा तो नहीं है जीरो लेवल वाले हो आप फ्रेशर हो तो मैं बस फ्रेशर बताऊंगा? नहीं नहीं सबको एक लेवल से देखा जाता है और कोई एक समान में देखा जाता है किसी को कोई भेदभाव नहीं है। ओके फ्रेशर भी जैसा है एक्सपीरियंस वाले भी जैसा सबको बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाता है एडवांस लेवल तक। ओके ऐसा कोई दिक्कत नहीं। डाटा शीट को रीड कर लेंगे अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों WTR के बारे में भी इन्होंने प्रॉपरली बनाया है इस तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों। क्या इस लेवल में आपको काम सीखना है? अगर आपको इस लेवल में काम सीखना है और आपको चाहते हैं कि मेरे को इस लेवल में काम सीखना और इस पर ही फॉल्ट है हमारी तो आपको जो ये समझाया गया है ये जो आपको सर्किट बनाया है ये आपने खुद अपने समझ के बनाया है अपने समझ के अब आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर ये इसकी नॉलेज ना हो तो अभी तक क्या करते हैं हम? Note 8 Pro का कौन सा सर्किट है? चार्जिंग सर्किट। बिल्कुल फ्रेशर आदमी जिसने आज तक कुछ भी नहीं किया तो प्रॉपरली डबल इंजन सर्किट बनाया है आप देख सकते हैं। तो इस डबल इंजन सर्किट को हमें तो यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही एक अच्छी इंस्टीट्यूट है बहुत डीपली नॉलेज देती है। ऐसा है कोई भी डाउट हो 10 बार पूछ लो कोई बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आती। ओके बहुत ही सिंपल वे में समझाती है। ओके तो हम लोग यही कहना चाहूँगी कि असम से अगर कोई भी आना चाहे तो भैया बिना झिझक के आ सकता है। ओके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी रहने में खाने पीने में
हॉस्टल में बहुत अच्छा फैसिलिटी रखा है। ओके, फ्रॉड वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है, बस जितना दिखा था उतना ही अच्छे का ही गुना ज़्यादा मिल रहा है। ओके, क्या सोच के आए थे उससे ज़्यादा मिल गया? हाँ चलिए, अभी तो और बहुत कुछ है, अभी तो आगे तो बहुत कुछ है। आज सॉफ्टवेयर की क्लास हुई आपकी? हाँ सॉफ्टवेयर की क्लास हुई, कल आईफोन के बारे में सिखाया गया, आईफोन कंप्लीट कर दिया गया, आज अभी कॉलकॉम के बारे में सिखाया गया।